लाइट लेके जानी है और नीचे की तरफ बनाना है। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ। भाई क्या हुआ भाई? गर्मी हो रही है। वाटर पार्क चलना है। कितने जने हो? अच्छा 6 जने तुम इधर हो, बाकी दोस्त मिला के 15-20 जने। भाई 500 रुपए तुम्हारे, 500 रुपए तुम्हारे, ऐसे करके भाई 15-20 जन हो गए भाई, 10,000 के लमसम बैठता है। कोई मतलब नहीं है तुम्हें, बस चलना है। गाइस यार इन्होंने तो जिद पकड़ ली है, कह रहे वाटर पार्क चलना है तो चलना है। तो गाइस बच्चों ने जिद ठान ली है भाई, उनको तो सिर्फ वाटर पार्क पे ही चलना है। बट मेरे दिमाग में कुछ एक अलग ही आइडिया है। मैं सोच रहा हूँ कि वो ना मैं खुद का ही एक छोटा सा वाटर पार्क बना दूं, जिसमें एक पूल हो और एक स्लाइड हो। जो हम चीज बनाएंगे वो सच में बहुत ही नेक्स्ट लेवल होने वाली है। अभी तो सोचा है दिमाग में, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे फटाक से चलते हैं और इस पूल को बनाते हैं। तो गाइस ये है वो लोकेशन जहाँ पे हम बनाएंगे हमारा देसी जुगाड़ वाला स्विमिंग पूल, जिसमें होगी फिसल पट्टी। तो गाइस यहाँ पे काफी सारी नेचुरल स्लाइड्स हैं, उसी में से एक ये स्लाइड है जिसपे हम हमारा जो स्विमिंग पूल है और जो स्लाइड है वो बनाएंगे। लेकिन गाइस ये मुझसे अकेले से तो नहीं बनेगा, मुझे चाहिए होंगे हट्टे कट्टे नौजवान। अबे गाइस हट्टे कट्टे नौजवान तो आ गए हैं। अबे पर तुम्हारा हथियार कहाँ है? खोदोगे किससे? हथियार भी आ गए। चलो बैठ भी नहीं सकता है, बहुत ज्यादा स्लिपरी है। जब हम इस पर स्लाइड बनाएंगे तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। ओ भाई भाई खोते खोते हालत खराब हो गई है। गाइस हमारा एक पहलवान नौजवान तो हार मान के जा रहा है घर। ओ भाई साहब इतना आसान नहीं है निर्मल खोदना। बहुत मुश्किल काम है, गर्मी हो गई, पता नहीं कैसे बेलर वेलर होते वगैरह वो कैसे काम करते हो गया। कड़कती धूप पड़ रही है ऊपर बहुत ही तेज। मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की मिट्टी। तो गाइस जो हमारी स्लाइड है वो कुछ इस तरीके से होगी, है ना भाई? काफी ज्यादा एक्सट्रीम, मजा आएगा। बहुत थक गए, बहुत परेशान हो गया, थके हुए लेट गया। सच में गाइस बाहर बहुत ही तेज धूप पड़ रही थी, पर हमें ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट करना था क्योंकि हमने बच्चों से वादा करा था। गाइज हम मुंह धोके आ रहे थे तो दद्दू देखो, दद्दू ऊपर चढ़ चुके हैं और ना खुद से ही है ना जो स्लाइड है उसको बना रहे हैं। चलो दद्दू की मदद करते हैं फटाक से। चलो कॉफी कप्स एंड सिगरेट्स लेइंग अराउंड द रूम। तो गाइज देख लो कितनी ज्यादा गहरी होने वाली है हमारी जो स्लाइड है वो, और आधी स्लाइड ऊपर है। ओ भाई साहब ये जो मेहनत है ना ये खुद के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। तो मेहनत रंग लाएगी तो खुद के लिए लाएगी, किसी और के लिए नहीं। तो गाइस अभी अंधेरा हो चुका है और सही टाइम है घर जाने का भाई, अब कुछ दिखना बंद हो चुका है। तो सुबह आते हैं फटाक से जल्दी से और फिर काम को कंटिन्यू करते हैं, हालत खराब होगी अब नींद आएगी गिरते ही। तो गाइस अभी है डे 2 और हमारा जो स्लाइड है वो इतना खुद गया था कल। और यहाँ पे एक सीन देखो, उस तरफ देखो एक बछड़ा दूध पी रहा है, कितना मस्त लग रहा है यार। तो
गाइस बिना किसी देरी के काम को स्टार्ट करते हैं। हमने स्लाइड तो बना ली थी, अब बारी है स्विमिंग पूल को बनाने की। तो हम इस एरिया के अंदर भाई पूल को बनाएंगे, देखते हैं कैसा बनता है। तो गाइस कुछ इस तरीके का होगा हमारा स्विमिंग पूल। अबे हम कैमरे में क्या देख रहे हैं, काम नहीं करना क्या? काम करना भाई। अबे तो चलो काम करो। गाइस धूप इतनी तेज पड़ रही थी कि हम ये छाता लगा के फोन को ढके हुए कि फोन हीट ना मारे। भाई कुआं खोद रहे पानी के लिए, चाचा हम लगे हुए कर रहे हैं ठग लकड़ी। हाँ उठाओ। तो गाइस ये है हमारा प्यारा सा स्विमिंग पूल और उधर है एक शानदार सी स्लाइड। अब हम इस पर लगाने वाले हैं त्रिपाल, जिसकी मदद से हम इस पर पानी भरेंगे कि भाई हमारा पानी जमीन में ना चला जाए, वरना ये जो मिट्टी देख रहे हो ना भाई, ये राजस्थान की मिट्टी है, बहुत ज्यादा प्यासी, ठीक है, ये पानी को निकल जाएगी चुटकियों के अंदर। तो हमें त्रिपाल बिछाते हैं और फिर पानी भरेंगे। तो गाइस हमारे इंस्पेक्शन के लिए आई हुई एक टीम, तो ये पूरी टीम देख रही है कि हमारी ये जो स्लाइड है और ये पूल अच्छा है या नहीं है। कैसा है? गाइस अभी हम पूल के सारी चारों तरफ मिट्टी से इस त्रिपाल को नीचे की तरफ दबा रहे हैं। दबाओ 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 कुछ इस तरीके से। तो गाइस अब हम ये ब्लू थैली बिछाते हैं। फाइनली हमारा जो पूल है वो तो बन चुका है, एक बार इस पे नजर डालो। तो गाइस अभी हम ऊपर की तरफ जो प्लास्टिक की पन्नी है उसे लगा रहे हैं, जो स्लाइड है उसकी शुरुआत हो चुकी है। ओ भाई बहुत तेज हवा चल रही है, काफी मुश्किल हो रहा है स्लाइड को लगाना यार। Won't be scared of falling down no more. So take me away. आए मुझे। तो गाइस आज के दिन में हमने ये पूरा क्रिएट करा है। तो गाइस अभी अंधेरा हो चुका है और मैं यहाँ पे अकेला हूँ। सी कोई भी नहीं है, क्या पता आपको दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है। आज का जो हमारा बिस्तर है वो इस स्विमिंग पूल के अंदर ही होने वाला है, हमने इसमें ही अपना डेरा बसा के सोना है। भाई साहब भाई बस होप यही कर रहे कि कोई सांप ना आ जाए और हमें ना काट जाए। तो गाइस गुड मॉर्निंग हो गई और डे 3 है आज का हमारा। अब इस काम को पूरा करते हैं और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं यार। वीरेंद्र भैया उठ जाओ यार, उठ जाओ ना, काम करते हैं, फिर धूप आ जाएगी यार। गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस आज है डे 3 और अभी हम ये जो स्लाइड है ना इस पे थैली लगाएंगे और शायद आज अपना ये जो पूरा पूल है स्लाइड वाला कंप्लीट हो जाएगा, बन के रेडी हो जाएगा। तो फटाक से बिना टाइम वेस्ट करे लगते हैं। हमारी स्लाइड फाइनली पूरी बन चुकी है। तो गाइस फाइनली अपना पानी का टैंकर भी आ चुका है, तो फटाक से पानी को डालते हैं पूल के अंदर। चलो गाइस फाइनली पूल तैयार है, अब कमी है तो सिर्फ इसमें बच्चों की। तो फटाक से जाते हैं, बच्चों को बुलाते हैं और उनको सरप्राइज देते हैं इस पूल से। तो गाइस फाइनली हमने हमारा पूल बना के तैयार कर लिया है और हमारे साथ जिनकी डिमांड थी भाई पूल बनाने की वो भी
तो कैसा लगा पूल? एक नंबर है भाई, मस्त है। पक्का अच्छा तो है ना? सच में? अरे 500-500 रुपए निकालो, जो जो कूदेगा 500-500 निकालो। अरे खाली जेब? अरे अरे मैं तो भूल ही गया, तो चड्डियों में आए, खाली जेब है इनकी सबकी। अरे मजाक कर रहा हूँ, कोई पैसा नहीं है, फ्री के अंदर है, मजे करने है फुल। गाइस इनको ये चीज समझाना जरूरी है कि भाई भेड़ बकरियों की तरह एक के ऊपर एक नहीं कूदना है, वरना एक दूसरे के हाथ पांव तोड़ लेंगे। इसलिए हमारे दद्दू है ना, सबको संभाल के रखेंगे। दद्दू आप हमारे लाइफ गार्ड हो, ये डूबेंगे या फिर इनके साथ कुछ भी, आपको बचा के रखना, इनके ध्यान रखना है सबका। मैं तैर के निकाल दूंगा इनको। आपके बच्चे हैं ये? हमारे बच्चे। तो तैयार हो सब? चलो कूदते तो गाइस इन्हीं से पूछते हैं कि इनको ये पूल कैसा लगा है? कैसा लगा पूल? कितने स्टार दे रहे हो पूल को? गाइस ये तो 10 स्टार दे रहे सीधे के सीधे पूल को। तो अब तो नहीं जाना ना वाटर पार्क? यही बढ़िया है। दिल खुश हो गया इनकी खुशी को देख के। तो गाइस यार एक लाइक तो बनता है, और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया वो सब्सक्राइब कर देना। अरे भाई लोगों क्या करना है? वैसे अभी तक मैंने आपको बताया नहीं कि ये जो पूल है बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। ये जो स्लाइड देख रहे हो ना आप, ये स्लाइड है भाई 100 फीट की, मतलब एक वाटर पार्क के अंदर होती है उतनी बड़ी। हमने हाथों से भाई खोद खोद के स्लाइड बना दी है। अगर वहां से बंदा आया ना तो उसको गोली की स्पीड से आने से कोई भी नहीं रोक सकता, और वो सीधा आएगा इस पूल के अंदर। और वो चीज अभी तक हमने टेस्ट भी नहीं करी है, तो भाई उस चीज को करने में सच में बहुत ही मजा आएगा। बाकी बच्चों को हम ये चीज बिल्कुल भी ट्राई नहीं करने देंगे, क्योंकि भाई उनकी जान हमें हमारी जान से ज्यादा प्यारी है। तो गाइस मैं अभी ऊपर से नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं आधे रास्ते से जा रहा हूँ, और यहाँ से एक बार निचाई देखो कितनी ज्यादा निचाई है भाई, इसमें हवा भर रखी है पूरी की पूरी यार। तो गाइस ये सैंपल का पानी है, जो क्या फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो मैं आराम से स्लिप होता हुआ जाऊंगा। चलो चलो जा जाओ। चलो एक दो तीन वरना सच में बहुत ही शानदार तरीके से मैं नीचे आया था। 1% भी मेरे को लगा नहीं, ऐसे लग रहा है कि मैं गद्दे पे फ्लोट करता हुआ आ रहा हूँ। वापस से ट्राई करते हैं। तो गाइस अब मौत का खेल खेलने जा रहा हूँ। अरे रुक जा, मौत का खेल ऐसे खेलेगा क्या? ले जा, हाँ बैठ जाओ आराम से, रस्सी पकड़ लो। जा रहा हूँ, अगर मर जाओ ना तो लाइक कर देना चैनल को। ले डालो ऊपर। गाइस इससे बहुत ज्यादा स्लिपरी हो जाएगा। ओ भाई साहब, तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ। मजा आ रहा है। भाई मैं
कुछ ही सेकंडों के अंदर सीधा वहां से यहां आ चुका हूं। गाइस निर्मल आ रहा है, आजा। ओ तेरे, ओ भाई। अरे यार गाइस, हमारी स्लाइड में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। जो हमारी स्लाइड है ना, ओ हमारी स्लाइड है ना, इतनी अच्छे से इंजीनियर्ड नहीं है। मतलब जो हमारी थैली थी ना, वो हमने गाड़ी थी, वो गाड़ी भी निकल चुकी है यार। तो वहां से मिट्टी के अंदर घुसती जा रही है। ये जो मिट्टी है ना, ये बालू रेत है, तो ये रस रस के जमती जाती है। तो ये हमारी स्लाइड के नीचे भी जम गई, इसलिए हम वहीं पे बीच में रुक जा रहे हैं। वहां पे उस पॉइंट पे आके हमारी स्पीड स्लो जा रही है। बाकी यहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ तक तो आ रहे हैं। कैसा लगा? मेरी आंख में गारा घुस गई, आंख में मिट्टी घुस गई। अब मिट्टी तो घुसेगी यार, देसी जो है। इस रेगिस्तान के अंदर ये बच्चे मजे कर रहे हैं। गाइस इन बच्चों को खुश देख के हमें भी काफी दिल से खुशी हो रही है। एक गणा रह गया, प्रॉब्लम आ रही है। कहाँ ज्यादा समय तक इन्होंने एंजॉय कर लिया है, अब इनका टाइम खत्म होता है भाई, वरना सर्दी लग जाएगी इनको। चलो बच्चों बाहर चलो, चलो 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 चलो। गाइस हमारी जो दद्दू है ना, दद्दू ने अपनी ड्यूटी बहुत ही मस्त तरीके से निभाई है, सभी बच्चों का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखा है। क्यों दद्दू? बढ़िया रखा मैंने ध्यान। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। हम इस वीडियो को अब यहीं पे खत्म करते हैं और हम मिलते हैं आपको ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो के अंदर। तब तक के लिए यार, जो बच्चे होते हैं ना, वो दिल के सच्चे होते हैं, तो एक लाइक जरूर कर देना। सब्सक्राइब कर देना, 5 लाख लाइक। चलो भाई।